हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। और बहुत समय से मैंने अपना वीडियो डाला नहीं है क्योंकि बहुत बिज़ी चल रहा था, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आज जब मैं वापस अपने होम टाउन आ चुका हूँ तो मेरे पास बहुत ही समय है देने के लिए आप सबको। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जाए जो वास्तविक रूप से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और जानकारी देने वाला है आप सबको। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि मेरा एक दोस्त जो कि इंडियन एयरफोर्स में सर्व करता है, उसकी बीवी ने उस पर बहुत ही झूठा इल्ज़ाम लगाया है और उसके ऊपर एक डिवोर्स केस फाइल किया है जिसके कारण उस बेचारे को बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार सावधान रह सकते हैं अपनी वाइफ से अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले, अगर आपको ज़रा सा भी ये भनक है कि आपकी मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एविडेंसेस इकट्ठे करने लग जाएं कि अगर कल को जाकर कोई समस्या आती है तो किस प्रकार आप अपने आप को डिफेंड या सेफ गार्ड करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम हैं इंडिया में। इंडिया में चाहे कुछ हो जाए, अक्सर जो पक्ष है वो औरत का ही लिया जाएगा। अगर कभी डिवोर्स केस आप कोर्ट में फाइल करेंगे और आप फाइनल डे ऑफ जजमेंट में कोर्ट में बैठे हैं, तो ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके फेवर में डिसीजन होगा। आपके फेवर में डिसीजन तभी होगा जिस समय आपकी वाइफ अपनी इच्छा से आपको डिवोर्स दे रही है और तो और वो आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती है। लेकिन अगर उल्टा है कि वाइफ आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है और तो और आपको परेशान कर रही है और धमका रही है कि वो आपको तलाक दे देगी, तो अब समय आ चुका है आपको अपने लिए एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जिस समय एविडेंस इकट्ठे हो जाए तो उन्हें गुप्त रूप से रखिए, उन्हें सबके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको किसी से अपना मुंह खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, ढिंढोरा पीटना नहीं है, बैंड बाजा नहीं बजाना है कि आपके पास में रिक्वायर्ड एविडेंसेस इकट्ठे हो चुके हैं। जस्ट कीप देम कॉन्फिडेंशली सेफ विद यू। दूसरा, अगर आपकी वाइफ जाती है कोर्ट और आप पे इल्ज़ाम लगाती है, तो आपको एक काबिल लॉयर को हायर करने की आवश्यकता है और तो और बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो मेंस के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। मेरा फ्रेंड भी उनसे काउंसलिंग ले रहा है और उनसे पूछने का प्रयास कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में जहाँ पर उसकी वाइफ ने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो आपको भी ये करना पड़ेगा। तीसरा, जब तक आपके वाइफ की तरफ से नोटिस ना आए, आप शांत बैठे रहिए, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा ईगरनेस है आपसे अलग होने की तो वही एक्शन लेगी, वरना आप ना लें और चुपचाप बैठे रहें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बर्बादी होनी थी वो तो हो चुकी है, अब परेशान होने का क्या फ़ायदा। चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा सोचो मत। अगर उसको अपने जीवन की चिंता है तो वो एक्शन लेगी और ज़रूर लेगी, और ऐसे लेगी कि आपके पास नोटिस आए और आपको पता चल जाए कि अब अगला स्टेप क्या लेना है। स्लो स्लो प्रोसेस रहेगा, समय लगेगा ही लगेगा, टाइम की बर्बादी होगी, हो सकता है पैसे की भी हो और हो सकता है आपको लगे कि जीवन भी हो गया। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान हो तो वो इन सब से ऊपर उठेगा और ये सोचेगा कि बला टली मुसीबत टली, कम से कम अब जीवन में सुख शांति है। किसी महान आदमी ने कहा है कि सुख शांति के आगे हमें किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है। जितना ज़्यादा सुख हमारे जीवन में आवश्यक है और शांति आवश्यक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुसीबत को टलने दीजिए, जाती है तो जाए, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ के वहाँ बैठे रहें और सोचें जिस समय ये ख़त्म होगा तब आगे हमने जीवन में क्या करना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, उम्मीद है इस छोटे से संदेश से आपको विशेष लाभ होगा। मैंने अपने फ्रेंड को भी काउंसलिंग दी, उसे भी समझाया, वो इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। खैर, समय लगेगा, टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और तो और कुछ हद तक उसे भी महसूस होता है जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन अगर वो आत्मसंयम में है और बुद्धिमान है तो मुझे उम्मीद है कि समय के साथ वो इस मुसीबत से बाहर भी ज़रूर निकल आएगा। देखते रहिए, अगले और वीडियोज़ के लिए टॉपिक शेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बनाकर आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।